ब्रेक फेज सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ब्रेक फेज सिस्टम क्या है, वो है हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि मेरी जो पूरी हवा से बनी हुई ब्रेक है, फुल एयर ब्रेक जो है, फुट ब्रेक, उसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे काम करती है, कैसे वो ब्रेक बनी, कैसे वो ब्रेक जीवित रहती है और कैसे गाड़ी रुकती है, इन चीजों को आज आप समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझेंगे कि ये प्रेशर कहां से बनता है, कि पूरी हवा से तो बनी तो है ब्रेक, लेकिन कैसे बनी हुई हवा कहां से आती है। वो आपका इंजन है, इंजन के साथ आपका एयर कंप्रेसर है, तो एयर कंप्रेसर का मतलब कि ये हवा बनाता है। इसके अंदर पिस्टन है, जैसे इंजन चलता है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे चलने से वैक्यूम हवा बनाता है। हवा जो है वो एयर पाइप के द्वारा यहां से चलती है, इस हवा का ये कंट्रोल बनाया हुआ है, इसको यहां पकड़ा हुआ पाइप के माध्यम से और आगे ये ट्रायल को जाती है। ये ट्रायल फिल्टर है, फिल्टर के गत्ते का फिल्टर है। तो जब हवा जाती है, हवा के बीच में नमी होती है, वो जैसी होती है, ठीक है, कुछ पानी की मात्रा होती है, पानी जैसी मात्रा होती है, वो ये फिल्टर का काम है कि उस नमी को अपनी तरफ चूस लेना और सूखी हवा सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को देना। ये है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, ऊपर ये ड्राइव, ये उस नमी को चूसता है और सूखी हवा सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को देता है, ठीक है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से वह हवा कंट्रोलर को भी जाएगी, कैपेसिटी के हिसाब से जितनी उसकी कैपेसिटी है, हैंड ब्रेक को भी जाएगी जो उसकी कैपेसिटी है, वो हैंड ब्रेक को मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है प्रेशर की, वो है 4.6 बार प्लस माइनस 0.4 बार, जो कि इस प्रेशर के माध्यम से आपका जो हैंड ब्रेक है, ब्रेक फेज सिस्टम है, पार्किंग ब्रेक है, वो बिल्कुल जीवित रहता है, ठीक है। और इस सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व के माध्यम से आपका फ्रंट एयर टैंक है, उसको हवा जाती है, रियर एयर टैंक को हवा जाती है, जो कि कैपेसिटी के हिसाब से आप उस हवा को पहचानते हैं कि जैसे हवा है, तो इस हवा की कैपेसिटी जो होती है मीटरों से पता चलता है, जो कि ये आपके मीटर से हैं, जैसे इसकी जो कैपेसिटी होती है 7.2 बार मैक्सिमम कितनी होती है बेटे, चाहे रियर का हो, चाहे आपका फ्रंट का हो, चाहे रियर की ब्रेक हो चाहे फ्रंट की ब्रेक हो, उसका मैक्सिमम प्रेशर जो होता है 7.2 बार और मिनिमम कितना होता है 6.2 बार, जो कि 7.2 बार 6.2 बार मैक्सिमम मिनिमम, ये ब्रेक आपकी बिल्कुल जीवित है, यहां से पता चलता है ट्रैवल। चालक का देखने का लेवल बराबर होता है, गाड़ी चलाता हुआ रात को चलाएगा, कहीं भी चलाएगा, तो मीटरों की तरफ आपका देखने का लेवल बराबर होता है, जिससे आपको अपने कंट्रोल का पता चलता है कि मेरी ब्रेक जीवित है, कोई कंट्रोल में कमी आ रही है, उस ढंग से आप उसको समझते हैं और उस ढंग से आप गाड़ी को अपने कंट्रोल में करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो आप वही करते हैं जो आपको करना है, कि क्या ब्रेक मुझे बीच की भाषा क्या है, ये भाषा उसको भाषा को आप समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी खराबी होती है छोटी बहुत उसको ठीक भी करवाते हैं और करते भी हैं और अपनी ब्रेक को जीवित इस तरह से आप देखते हैं और गाड़ी को चलाते जाते हैं, ठीक है। जो कि गेजों से आपका कंट्रोल का पता चलता है कि मेरी ब्रेक जीवित है, ये आपका कंट्रोल है, यहां से ब्रेक जीवित है, खराब है कुछ है, यहां से पता चलता है, क्योंकि ये जो घड़ी जैसी सुई है ये बीच में आपको दर्शाती है कि कहां तक आपको प्रेशर है, तो उस तरह से आप अपने प्रेशर को समझते हैं और गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं, ठीक है। जहां ब्रेक लगाते हैं वहां गाड़ी रुक जाती है, ठीक है, वो 7.2 बार मैक्सिमम प्रेशर है। लेकिन इससे ऊपर अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो ये प्रेशर कहां से बाहर निकलता है, क्योंकि ब्रेक को जीवित करने के लिए हमें जरूरत है 7.2 बार की, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन इससे ऊपर जो प्रेशर बढ़ता है वो
बाहर खर्च कहां से होता है, कहां से बाहर निकलता है? आपका सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व के नीचे अनलोड वाल्व है, वो अनलोड वाल्व से वो बड़ा हुआ प्रेशर बाहर निकलता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, गाड़ी छिक जैसे मारती है, जैसे हमारे को छिका, इधर से गाड़ी को छिका, छिक मारती है, स्ट्रेन की बात करती है, करती ही नहीं करती है, उसको बड़ा हुआ प्रेशर यहां से अनलोड वाल्व से बाहर निकल जाता है और आपका बिल्कुल जो सात बार टू बार प्रेशर है वो बिल्कुल स्थिर बराबर ब्रेक, जब भी जहां भी ब्रेक लगाएंगे वहीं से प्रेशर से आपकी ब्रेक बिल्कुल लग जाएगी और गाड़ी पुनः रुक जाएगी, ठीक है। और यहां से प्रेशर आगे ड्यूल वाल्व तक, और ये प्रेशर आपका ड्यूल वाल्व तक आता है, ड्यूल वाल्व में जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते गाड़ी को तब तक ये वाल्व आपके बंद रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ब्रेक पैडल दबाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, गाड़ी चली हुई है, गाड़ी को रोकना है, कोई किसी चीज से बचना है, किसी चीज को बचाना है, या उतराई में गाड़ी चलती है वहां ब्रेक लगाना पड़ता है, तो वहां ब्रेक पैडल दबाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ब्रेक पैडल दबाते हैं तो ड्यूल वाल्व नीचे दब जाता है, जैसे नीचे दबता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, जब ये वाल्व खुल जाते हैं तो ये प्रेशर आपका ब्रेक चैम्बर, फ्रंट ब्रेक चैम्बर को जाता है और रियर ब्रेक एक्चुएटर को जाता है, वहां जाकर के क्या करेगा, ये स्प्रिंग को फैलाएगा, जो स्प्रिंग है ब्रेक चैम्बर के अंदर स्प्रिंग है इसको फैलाएगा, और इसके फैलने से क्या होगा, आगे स्कीम है, ये 60 डिग्री से 90 डिग्री में सीधी होकर के ये ब्रेक शू को फैलाएगी, और ब्रेक शू जो जब फैलेंगे वो ड्रम के साथ चिप जाएंगे और चलती गाड़ी के पहिए पुनः रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाड़ी रुकती है, और जब आप ब्रेक छोड़ते हैं तो वह जो प्रेशर के माध्यम से आपकी गाड़ी रुकी, ब्रेक शू फैले, ब्रेक ड्रम के साथ चिपके, गाड़ी रुकी, और जब आप ब्रेक पैडल छोड़ते हैं तो प्रेशर कहां जाता है, वो प्रेशर वापिस वहां से ब्रेक एक्चुएटर और ब्रेक चैम्बर से वापिस पीछे आकर के यहां से आपका ड्यूल वाल्व के बीच में आता है, और ड्यूल वाल्व के नीचे लगा रिलीज वाल्व, क्या लगा है, रिलीज वाल्व, रिलीज वाल्व से वह प्रेशर बाहर निकल जाता है, पूरे के पूरा प्रेशर बाहर निकल जाता है, और पीछे जो पहिए हैं आपके टायर टायर हैं पीछे हैं, आगे आगे ब्रेक है, रियर ब्रेक है, फ्रंट की ब्रेक है, वो जाकर के आपके पहियों को रिलीज कर देते हैं और गाड़ी पुनः चलने के लिए तैयार होती है, ठीक है। और गाड़ी को आप चलाते हैं क्योंकि ब्रेक भी लगे होते हैं उस वक्त, क्योंकि वो प्रेशर वापिस आपके ड्यूल वाल्व से बाहर, रिलीज वाल्व से बाहर निकल जाता है और पहिए आपके फ्री हो जाते हैं और गाड़ी पुनः चलने के लिए तैयार होती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे एक ब्रेक आपकी काम करती है, इस तरह से गाड़ी रुकती है। लेकिन एक चीज आपने और इसमें देखना है कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो इसमें बड़े से बड़ा नुकसान होने के भी एक चांस बनते हैं, ठीक है। बड़े से बड़ा नुकसान भी होता है, कैसे कि जैसे हमें प्रेशर की जरूरत है 7.2 बार, ठीक है, कई बार इसमें खराबी आती है, क्या होता है, अनलोड वाल्व का बंद होता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है, बारीक बारीक वाल्व है, बिल्कुल पतले पतले होल होते हैं इसमें, बारीक बारीक होल होते हैं, तो कई बार कचरा करकट कई बार आ जाता है, तो उसकी सवाल होती है कि बंद हो जाता है, जैसे बंद हो गया तो जैसे बड़ा वो प्रेशर यहां से अनलोड वाल्व से बाहर निकलता है, तो जैसे बंद हो गया तो प्रेशर कहां से बाहर निकलेगा, कहीं से निकलेगा, ब्रेक कितने का ब्रेक लगाएंगे आप, ठीक है ना, जिससे आपका ब्रेक खारिज होगा। लेकिन कई बार हमें ब्रेक नहीं लगाना पड़ता, कई बार लगातार गाड़ी को चलाना पड़ता है, कई बार आपका यहां से ध्यान हट करके कहीं और जगह जा सकता है, और ये टेक्निकल फॉल्ट आने से ऐसे हमारा प्रेशर बढ़ सकता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो इनकी टैंकों की जो कैपेसिटी है ये है 10 bar तक, कितनी है 10 bar तक है, जो कि देखने का लेवल आपका यहां से पता लगेगा, अगर सुई 10 पे भी आ जाएगी तो आपको पता लगेगा कि मेरा 10 कैपेसिटी है, तो 10 तक इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 10 से ऊपर कैपेसिटी से बाहर जब बात होगी तो ये टैंक जो है वो फट नहीं सकता, ब्लास्ट जैसा होगा, जब ब्लास्ट जैसा होगा तो गाड़ी में जब ऐसे टैंक फटेगा, ब्लास्ट होगा तो गाड़ी का बिल्कुल फटके हो जाएंगे, बिल्कुल पार्ट्स अलग हो जाएंगे, इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो आदमी जो उसमें बैठे हुए, तो आदमी जो एक फूल होता है, फूल जैसा होता है, तो आदमी का तो पता नहीं चलेगा, जब गाड़ी के लोहे के पुर्जों को फाड़ देगा, तोड़ देगा, तो आदमी का तो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, तो ये कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा नुकसान होता है। तो
उस नुकसान को बचाने के लिए चालक को नॉलेज का होना इस ब्रेक के बारे में बहुत जरूरी है। इस ब्रेक के बारे में समझना चालक के लिए बहुत जरूरी है और इसके तरफ आपका लेवल देखने का इस कंट्रोल की तरफ बराबर होना चाहिए। चाहे रात को गाड़ी चलानी है, चाहे दिन को गाड़ी चलानी है, चाहे किसी कंडीशन के ऊपर आपने गाड़ी को चलाना है, लेकिन इस कंट्रोल को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की आपकी कोई भी ऐसी मिस्टेक होने से बड़े से बड़ा हादसा भी हो सकता है। ठीक है, उस हादसे को रोकने के लिए इस तरह की नॉलेज आपके आपको होना बहुत जरूरी है। अगर ये बार बार का बंद हो गया, कहीं खराबी आ गई, बंद हो गया, प्रेशर आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये सुई यहां चलती चलती 10 तक पहुंच जाएगी। जब 10 से ऊपर आपकी सुई पहुंच जाएगी तो कैपेसिटी से बाहर ये प्रेशर हो जाएगा, तो ये टैंकों को भी फाड़ सकता है और बड़ा से बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको कैसे आपने बचाना है कि जैसे कि आपको देखने का देखो, कई बार आदमी है, इंसान है, भूल चूक भी हो सकती है, ये प्रेशर इस तरह से बढ़ जाएगा तो यहां तक तो आपको पता लगेगा सुई यहां खड़ी हो जाएगी, यहां से ऊपर तो नहीं जाएगी, वही साइड कितना प्रेशर गया। लेकिन ऐसा होने पर तुरंत आपको क्या करना है, गाड़ी को रोकना है और इंजन को बंद करना है। जब इंजन बंद कर दिया प्रेशर तो बढ़ेगा ना, और बंद करने के बाद क्या करना है, आपने ब्रेक पैडों को पंपिंग करनी है। कैसे करनी है, ऐसे पंपिंग करनी। इससे क्या होगा, जब आपका जो बड़ा हुआ प्रेशर है ये ड्यूल वाल्व वाल्व खुलेगा, प्रेशर वहीं जाएगा, ब्रेक अपना काम करेगी जैसे काम करती है, खड़ी गाड़ी को वैसे लगती रहेगी, ब्रेक पैड छोड़ेंगे कोई प्रेशर वापस आएगा, लीज वाल्व से बाहर निकलता जाएगा प्रेशर। जब निकलता जाएगा ये सुई आपको दर्शाएगी 10 से पीछे हटना शुरू हो जाएगी, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि खतरा टल गया, खतरे को मैंने टाल दिया, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 10 से पीछे सुई हट रही है। अगर 10 से ऊपर बढ़ रही है, गाड़ी चलती चली हुई है, तो चलती गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है, बड़े से बड़े नुकसान भी हो सकता है, इस तरह की आपातकाल स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो उसको टालने के लिए आपको इस तरह की नॉलेज मिले बहुत जरूरी है। ठीक है, पंपिंग करेंगे, ब्रेक लगेगी, प्रेशर ये जाएगा, ये टैंकों से प्रेशर जाएगा, ड्यूल वाल्व खुलेगा। ठीक है, जिससे नीचे जाने पर ड्यूल वाल्व ये वाल्व खुलेंगे, प्रेशर आगे जाएगा, वापस ब्रेक पैड छोड़ेंगे, वापस आएगा प्रेशर और लीज वाल्व से प्रेशर बाहर निकलता जाएगा, और वहां से आपको देखने का लेवल आपको यहां से पता चलेगा कि कहां मेरा प्रेशर है, तो खतरा जैसे आप टल जाता है तो आपको पता लग जाएगा यहां से मीटरों से गेजों से कि खतरा टल गया और कोई खतरा नहीं। तो इस तरह की नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, ब्रेक फेल सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, या रोड में प्रैक्टिकल के बताया था कि ब्रेक फेल होने के बावजूद आप गाड़ी को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। देखो, एक तो इस ब्रेक को इतना जो टेक्नोलॉजी आज इस ब्रेक की तरफ से एडवांस होती जा रही है, इसको इतनी अच्छी तरह से फिट किया हुआ है, इतनी अच्छी तरह से गाड़ी में इसको फिट करके एक ड्राइवर को एक गाड़ी को सौंपा गया है, तो एक ब्रेक फेल होने के चांस तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी टेक्निकल फॉल्ट कोई आ सकता है, तो कैसे आ सकता है और आपकी अनजानापन आपकी लापरवाही से कैसे टेक्निकल फॉल्ट आता है, उसको आपने समझना है, क्लियर करना है। ठीक है, तो कैसे टेक्निकल फॉल्ट क्या आ सकता है कि कहीं आपका पाइप फट गया, फट जाता है ना, फट सकता है ना, तो जैसे फ्रंट का फट गया, तो फ्रंट का फट गया प्रेशर निकल जाएगा फ्रंट, तो जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो फ्रंट की ब्रेक तो नहीं लगेगी, जब फ्रंट की ब्रेक नहीं लगेगी तो फ्रंट की ब्रेक तो पहिए नहीं रोकेंगे, लेकिन पिछली ब्रेक जरूर लगेगी, क्योंकि पिछली ब्रेक आपकी लग बनाई हुई है, तो पिछली ब्रेक आपकी जीवित है, तो पिछले पहिए जाकर के आपके ब्रेक शू को खुलाएगी, ड्रम के साथ चिपकेंगे, गाड़ी रुकेगी, तो ब्रेक फेल होने के चांस बहुत है। तो ये ना गाड़ी, क्योंकि अगली ब्रेक को लग कर दिया, पिछली ब्रेक को लग कर दिया, बाई चांस पिछली ब्रेक फेल होगी, पिछली ब्रेक फेल होगी तो अगली ब्रेक आपकी जीवित है, ब्रेक पैडल दबाएंगे आगे, क्या करेगा आगे ब्रेक शू ड्रम के साथ चिपकेंगे और गाड़ी रुकेगी, वो घटना होने के चांस बहुत कम। ठीक है, अगली ब्रेक फेल होगी पिछली ब्रेक काम करेगी, पिछली ब्रेक फेल होगी अगली ब्रेक काम करेगी, तो ब्रेक फेल होने के चांस है, मतलब आप बोल नहीं सकते कि ब्रेक मेरी फेल होगी और ऐसी घटना घट गई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर दोनों ब्रेक कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ गया, दोनों ब्रेक फेल हो, तो आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे। जैसे मैंने आपको रोड में बताया था कि गाड़ी को इस तरह से रोका जा सकता है, तो आपकी जो दोनों ब्रेक के मान के चलो फुट ब्रेक फेल होगी, फ्रंट की भी रियर की, तो आपका जो ब्रेक फेल सिस्टम है, हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक, ये
ये बिल्कुल जीवित है। इसका जो प्रेशर है 4.6 बार प्लस माइनस 0.4 बार, ये बिल्कुल जीवित है। आपकी हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक बिल्कुल जीवित होने की वजह से आप जैसे हैंड ब्रेक लगाएंगे वो जाकर के पिछले पहिए जो जाकर के क्या करेगा, ब्रेक सूट ड्रम के साथ चिपकेंगे और गाड़ी पूर्ण अपने आप जाएगी, ब्रेक फेल होने का चांस क्या है। अगली ब्रेक लग की हुई है, पिछली ब्रेक लग की हुई है और ब्रेक फेल सिस्टम लग किया हुआ है, तो तीनों ब्रेक फेल नहीं हो सकती क्यों होगी। लेकिन आज का ड्राइवर अनजाने पद से जब इस गाड़ी को चला रहा है, लापरवाही से चला रहा है, वो इन तीनों ब्रेकों को ही फेल कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान जान माल का हो रहा है रोज। वो कैसे कि ब्रेक लगाने का तरीके का पता नहीं कि ब्रेक कैसे लगाई जाती है, ब्रेक को सही ऑपरेट कैसे किया जाता है, तो जब ये नॉलेज नहीं है तो इस तरह से ब्रेक फेल हो जाती है। वो कैसे कि जब आप जोर से ज्यादा ब्रेक लगाते हैं, जोर से ज्यादा ब्रेक लगाते हैं जहां जितनी जोर देनी है, लगता है ना कि आप झटके में झटका जोर से ज्यादा लगाया, या जहां कहीं आप राई में तीसरे गियर में उतरना है वहां आप पांचवें गियर में पार करें गाड़ी, या कई ड्राइवर हमने देखे न्यूट्री कर देती है गाड़ी, फिर को पूछो कि क्यों किया न्यूट्री, तेल बचा रहे। अब तेल आपको ज्यादा महंगा की अपनी जान नहीं दी, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कीमत जिस जान की कोई कीमत की भरपाई नहीं कर सकता, कीमत के मारे से कोई भरपाई हो नहीं सकती है, ठीक है ना। वो जान हमारे लिए सबसे महंगी है, ठीक है, वो जान उसको समझना और उस ढंग से इस ब्रेक ऑपरेट करना हमारे लिए आज जरूरी है, क्योंकि आज हमें नॉलेज मिल रही है। तो आज हम आपको ट्रेन के दौरान बताते हैं कि बिना ब्रेक से रोको जी गाड़ी बोलते ही नहीं बोलते, तो बिना ब्रेक से रोकने का मतलब यह होता है कि आपको थोड़ा ये पता चल जाता है कि बिना ब्रेक से गाड़ी रुकती है। तो जब बिना ब्रेक से आप गाड़ी रोकेंगे जहां आप ऐसे हाथ फेरते हैं कि यहां मैं इस हालातों में बिना ब्रेक से गाड़ी को रोकते हैं, तो वहां बिना ब्रेक से रोकते हैं ना, गियरों के ऊपर गाड़ी को आप गियर नीचे गियर लगाते जाएंगे, गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी और गाड़ी को अपने आप ही ब्रेक लगती जाएगी, और एक जगह पे जाकर के गाड़ी कई बार अपने आप ही रुक जाती है, रोड की कंडीशन को देखते हुए प्लेन है तो अपने आप रुक जाएगी, चलाई होगी तो अपने आप रुक जाएगी, खड़ी हुई गाड़ी को आप ब्रेक लगाते हैं जिसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ एक स्पोर्ट दे रहा है कि गाड़ी के पहिए रुके हुए हैं, बाकी कोई नुकसान हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग जब इस ढंग से आप लगाते हैं जाने पर मैं लापरवाही में, या आप न्यूट्रल गाड़ी को चलाते हैं, या जहां आपने तीसरे गियर में गाड़ी को उतारना है अकॉर्डिंग रूल, जिस गियर में गाड़ी चढ़ती है उसी गियर में उतारा जाता है प्रेशर के हिसाब से, ब्रेकिंग प्रेशर के हिसाब से, तो आज का ड्राइवर क्या कर रहा है कि जहां तीसरे गियर में गाड़ी को उतारना है वहां पांचवें गियर में उतारना, तो वहां फिर ज्यादा से ज्यादा ब्रेकों का इस्तेमाल करना, न्यूट्रल आप गाड़ी को चलाते हैं ज्यादा से ज्यादा ब्रेकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि ब्रेक जो होती है वो हमारी जब बार बार ब्रेक सूज होते हैं ड्रम के साथ चलते जाएंगे तो ड्रम हमारे गर्म हो जाएंगे, इतनी गर्मी पैदा कर देंगे, इतनी गर्मी पैदा कर देंगे कि पेस्टी से ऊपर जब गर्मी उसकी ज्यादा हो जाएगी, पेस्टी से ऊपर हो जाएगी तो जो ब्रेक शू है वो उसके साथ चिपकेंगे, जब नहीं चिपकेंगे स्पीड कर जाएंगे तो ब्रेक नहीं लगेगी, चाहे अगली ब्रेक हो चाहे पिछली ब्रेक हो, क्योंकि वो इतने मलबे पेस्टी से ऊपर, यदि पेस्टी सेंसिटिविटी भी उससे ऊपर चला गया हो गर्मी हीट उसकी, तो वो ब्रेक शू आपके ड्रम के साथ नहीं चिपकेंगे, और जहां भी आप ब्रेक लगाएंगे वहां जब गाड़ी नहीं रुकेगी जो घटना घटनी है वो घट जाएगी, चाहे किसी के साथ टक्कर होनी हो, चाहे किसी को आपने कुछ रुक के आगे निकल जाना हो, चाहे आपने उस तेजी से स्पीड पे जो मोड़ काटना है वो स्पीड पे जब गाड़ी जाएगी तो गाड़ी पलट भी सकती है और गाड़ी खाई में जा सकती है, और नीचे कितनी खाई है, कितना क्या है क्या नहीं है, कितना नुकसान होना है आपके बस में कुछ मिल जाएगा। तो इसको टालने के लिए, इस चीज को आज ही समझने के लिए हमें आज ही तैयार होना है कि उसी तरह ही हमें गाड़ी को चलाना है, चलाएंगे ना उसी तरह से ऑपरेट करना है कि बिना ब्रेक से गाड़ी रुकती है तो बिना ब्रेक से गाड़ी को रोकना सीखे और कम से कम ब्रेक लगाना सीखे और बिना झटके से ब्रेक लगाना सीखे। झटके का प्रश्न ही पैदा नहीं, अगर आप 80 किलोमीटर स्पीड पे गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो झटके का मतलब नहीं, जब आप इस ब्रेक के बारे में समझ रखेंगे और सीख जाएंगे इसको चलाना ऑपरेट करना, तो 80 किलोमीटर स्पीड पे आप ब्रेक लगाएंगे बेटे तो ब्रेक झटका नहीं लगेगा और पता नहीं चलेगी गाड़ी कब रुकती है,
तो इस तरह से हमने तैयार होना है आज, इस तरह से इस ब्रेक को ऑपरेट करना सीखना है आज, ठीक है? लाइन इस तरीके से, इस तरह से इसको चलाना है। और अब आप ये नहीं सोचते ब्रेक फेल हुआ और ये हुआ, ठीक है? तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लगाने से क्या होता है, ड्रम आपके गर्म हो जाते हैं और ब्रेक शू आपके उसके साथ चिपते नहीं है और स्लिप हो जाते हैं और ब्रेकर नहीं लगती है, नहीं लगने से आपका नुकसान हो जाता है। हैंड ब्रेक भी लगाएंगे फिर भी वो ब्रेक शू ड्रम के साथ चिपके, जब नहीं चिपकेंगे तो ब्रेक आपके फेल, ठीक है? तो तीनों ब्रेक को इस तरह से ड्राइवर अपने जाने पर से लापरवाही से फेल कर रहा है। और दूसरा क्या है, जब आपको दूसरी नॉलेज भी होती है रोड के ऊपर गाड़ी चलती है, एक कारण कोई बन गया, एक रीजन कॉजेस को ये बन गया ब्रेक फेल होने का। दूसरा क्या है कि जब आप रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो एक आपका अनजानापन या लापरवाही होती है। कई बार आप बरसात के दिनों में गाड़ी चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते, बरसात चली होती है, बारिश चली होती है, रोड के ऊपर पानी इकट्ठा होता है, कई बार नालों से गाड़ी का आपको निकालना पड़ती है, आपके टायर डूबने से क्या होता है, आपकी गाड़ी गीली हो जाती है, क्या होता है, गीले हो जाते हैं, गीला बना जाता है पानी की वजह से उसे। जब गीला बनाता है तो आप जहां ब्रेक लगाते हैं, जहां पैस्टी के हिसाब से पैस्टी से ऊपर उसमें पानी घुस जाता है, जितनी सेंस फिल्टर होती है उस सेंस फिल्टर से ऊपर चल जाता है, तो फिर आपके लाइन ड्रम के साथ नहीं चिपकेंगे जब ब्रेक लगाएंगे। जब ब्रेक लगाने पर ड्रम के साथ नहीं चिपकेंगे वो स्किड कर जाएंगे तो ब्रेक आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है? फुट ब्रेक भी फेल, हैंड ब्रेक लगाएंगे फिर फेल। तो आप बोलेंगे ये क्या, ये एक वजह हुई क्योंकि आपको नॉलेज नहीं, आपको समझनी है, क्योंकि उसमें पैस्टी से ऊपर उसमें पानी घुस चुका है ना, उन लाइनों में पकड़ लिया है पानी को, अपनी तरफ चूस लिया है, उसकी वजह से ड्रम के साथ आपके लाइन में नहीं चिपकेंगे। जब नहीं चिपकेंगे तो गाड़ी ब्रेक फेल हो जाएगी, ब्रेक नहीं लगेगी, जहां गाड़ी को रोकना चाहेंगे वहां गाड़ी आपकी नहीं रुकेगी। तो इस तरह से पानी के बीच में जब भी गाड़ी को निकालना है तो आप धीरे से गाड़ी को चलाएं, गियर में चलाएं, फ्रंट एक नंबर गियर में चलाएं, दो नंबर गियर में चलाएं, जो आपको रोड की कंडीशन के हिसाब से लगता है कि किस तरह का रोड है, किस तरह की गाड़ी का आने जाने का मतलब वो है, कितनी ज्यादा मतलब ट्रेन का भीड़भाड़ है, उसमें से आप गाड़ी स्पीड बनाएंगे। और एक तरफ से एक पहले से आप ब्रेक गाड़ी को चलाने के लिए एक्सट्रीम दबाने का दबाएंगे गाड़ी को चलाने के लिए कि कितनी स्पीड पे मुझे चलाना है, 10 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना है, 5 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना है, और दूसरे पांव से आपने लेफ्ट पांव से आपको ब्रेक को पंपिंग करनी, धीरे धीरे पंपिंग करनी, गाड़ी चलती जाए और पंपिंग करनी। उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर पानी घुसा हुआ लाइनों के बीच में, ठीक है ना, जो उसने पकड़ा हुआ पानी को अपनी तरफ चूसा हुआ है, वो क्या होगा, जब आप ड्रम के साथ बार बार चिपके जाएंगे पंपिंग करने से तो उसमें पानी घुसता जाएगा, जब उसमें घुसता जाएगा, जब उसमें घुस जाएगा पानी उसका, जब वो सूखा पर आ जाएगा तो आपकी ब्रेक आपको पता लग जाएगी मेरी ब्रेक जीवित हो गई। जब जीवित हो जाएगी ब्रेक, वैसे गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी कि हाँ मेरी ब्रेक ठीक है, विश्वास हो जाएगा। फिर जब विश्वास हो जाएगा फिर आप गाड़ी को स्टॉप, क्योंकि ब्रेक आपने जीवित कर दी है, तो इस तरह से ब्रेक फेल होती है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लगाने का जो कारण बनता है, ठीक है, उस वजह से ब्रेक फेल होती है, गलती से ब्रेक लगाते हैं या पानी के बीच में से आप गाड़ी को निकालते हैं उसमें गीला बना जाता है, वहां ब्रेक आपको फेल होती है। तो उस तरह से आपने अपने आप को अब तैयार कर लिया, ठीक है? करेंगे सर? यस सर। तो इस तरह से इस ब्रेक को समझ लेना है, ठीक है? और ब्रेक फेल होती है, फुट ब्रेक एंड के फ्रंट की रेल की ब्रेक फेल होती है, तो आप हैंड ब्रेक से कैसे गाड़ी को रोकते हैं ये आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है, ठीक है? बताया हूं ना सर। इस तरह से आपको ब्रेक अब ब्रेक के बारे में समझ लेना बेटे, और उस तरह से आपने इसको ब्रेक को ऑपरेट करना है, और इस तरह से इनके कंट्रोलों को चलाना है, समझना है। खराबी आने के ऊपर ये पार्ट्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, पार्ट्सों के नाम बता दिए। अगर आपने एयर कंप्रेसर में खराबी है, कोई यहां से पता चलेगा कि एयर कंप्रेसर में खराबी है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, कोई कारण है, कोई रीजन है, कुछ भी है, तो उसको आपने समझना है। अगर ये ड्रायर से कहीं लीकेज हो रही है, इसको आपने समझना है। सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से कहीं लीकेज हो रही है, इसको आपने समझना है। हैंड ब्रेक की आपके वहां से रिलीज वाल्व से कहीं लीकेज हो रही है, हैंड ब्रेक पाइप से कहीं लीक हो रहा है, पंचर है, इसको आपने समझना है। और फुट ब्रेक का आपका फ्रंट का गियर टैंक है या पाइप है या आपका रियर का है या ड्यूल सिस्टम से कहीं से आपकी लीक हो रही है या कहीं आपका पाइप लगा होता है ब्रेक चैम्बर को, फ्रंट के ब्रेक चैम्बर को लगा होता है,
ब्रेक चैंबर इसका ब्रेक का पाइप लगा होता है ट्यूब वाल्व से या गियर का लगा होता है, उसको आपने समझे कि कहां से लीकेज हो रही है। तो जब इस तरह से लीकेज हो रही है कहीं भी आपके मोटर के ऊपर ऐसी खराबी आ सकती है, तो वहां से आप अपने मैकेनिकों को अपनी वर्कशॉप में अपने इंजीनियर लोगों को इस तरह से बता सकते हैं कि यहां से खराबी है, तो उस तरह से वो कैरी करके आपके पास पहुंच सकता है और आपका ठीक करने का नहीं है तो मैकेनिक लोगों से उसको पार्ट को ठीक कराया जाता है, दुरुस्त कराया जाता है, उस तरह से आपकी ब्रेक फिलर जीवित होती है और फिर आप गाड़ी को चलाना पसंद करते हैं और आपके कंट्रोल में गाड़ी रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब थ्योरी में आपने लिखना है और थ्योरी में आपको उसको पूरा करना है। ठीक है, तो आज बात इतना ही काफी है। ठीक है, तो थ्योरी इसके बाद लिखो। ठीक है।